अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से दोस्त मेरे जो हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी पूछते हैं कि भाई इतनी देर से वीडियो बना रहा है, कितने पैसे कमा लेते हो वीडियो से। तो चले आया, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने पैसे वीडियो से कमा लेता हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने कई दफा जवाब दिया है, वो लोग तो मानते नहीं है। आपको उनको भी मैं दिखाता हूँ कितने पैसे इससे अर्न होते हैं यूट्यूब पे, और मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ। अर्न तो बहुत ज्यादा होते हैं, लोग करते भी हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन मैं कितनी अर्न कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। और दूसरा ये कि काफी लोग पूछते भी हैं कि यार मैंने भी चैनल शुरू करना है, मैं भी सोच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली करना चाहिए, अच्छी चीज है। आप लोग अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अगर वीडियोज अपलोड करते हैं, आप लोगों की सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है, कैमरा शायनेस भी जो है वो भी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी आता है बंदे के अंदर, और आपका जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि कोई चीज़ आप डिस्कस करते हैं तो रिकॉल भी हो जाती है। अगर आपको चीज़ नहीं भी पता होती तो वो भी आप लोग वीडियोज अपलोड करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले जो है आप सर्च करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो वुमेन एम्पावरमेंट के जुमरे में ही आ जाता है। जैसे फीमेल्स होती हैं वो भी चाहती हैं कि ये अपना चैनल बनाए, वीडियोज अपलोड करने एक ख्वाहिश रखती हैं, जैसे कोई भी कोई एजुकेटेड फीमेल हैं जो अपने फील्ड से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करना चाहती हैं तो उन्हें भी करनी चाहिए। तो इसी तरह कल ही मेरी एक दोस्त से हमसे बात हो रही थी, शी टोल्ड मी कि उन्होंने ट्राई किया है वीडियोज बनाने के लिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही वो वीडियोज बनाती हैं, हालांकि उन्होंने वेल किया होता है, मास्क लिया होता है, कवर्ड होती हैं, दुपट्टा लिया होता है, फिर भी जो लोग हैं वो बहुत, अब क्या कहना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, बहुत ठरकी हैं, इंतहा के ठरकी हैं कि उनकी जो वीडियोज हैं उनके नीचे वो लोग भेज देते हैं, जी आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, क्योंकि वैसे उन्होंने मास्क लगाया होता है, वेल भी किया होता है, तो बस ये आपकी आवाज़ प्यारी है, आपकी आंखें प्यारी हैं, डीएम में मैसेजेस उन्हें कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा जो है इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। यार आप लोग सेल्फ ग्रूम अपने आप को कब करेंगे, कब लोग आप लोग जो हैं वो बड़े होंगे? तो अगर कोई फीमेल है अपना जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, प्रोफेशनल अवेयरनेस दे रही है आप लोगों को, तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें आप लोग कह रहे होते हैं कि जी आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, आपके हाथ प्यारे हैं, आपकी आवाज़ प्यारी है, तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। इनसे फिर जो है जो फीमेल्स हैं उनका भी जो मोराल है वो डाउन होता है, वो भी फिर क्योंकि हर किसी की जो फैमिली होती है वो फिर रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि यार ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, तो जो लौंडे लपाड़े ऐसे कमेंट्स करते हैं तो उन्हें इज्तनाब करना चाहिए। उनके लिए ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज है कि ख्याल करना चाहिए, आपकी बहन बेटी आपकी बाजी हो सकती है, तो इसमें कोई नहीं। अगर कोई अपना सही काम कर रहा है, प्रोफेशनल रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा है, आपकी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है, तो उसको आप लोगों को मोरली सपोर्ट करना चाहिए। तो बाकी आते हैं, चलें दिखाता हूँ कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है मेरे दोस्तों को, फैमिली वालों को कई दफा, तो आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जरा लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये लें जी, आज आपकी क्यूरियोसिटी को जो खत्म करते हैं, तो ये देखें जी मेरा चैनल आ गया है, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान तारिक के नाम से आप लोग देख सकते हैं। तो अर्न यूट्यूब पे अर्न कैसे कर सकते हैं ना हम लोग, इसके डिफरेंट तरीकेकार उन्होंने बताए होते हैं। बिकम अ पार्टनर हो सकता है, ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टू अर्न गेट मनी क्रिएटर स्पॉट एंड मोर होता है। बाकी मैनी वेज होते हैं, पेज के ऊपर एड्स लगती हैं, शॉर्ट फीड्स होती हैं ऐड के लिए, मेंबरशिप आप लोग जो अपना कोई कंटेंट है ना उन्हें थोड़ा प्राइवेसी के अंदर कर देते हैं कि जो कोई लोग मेंबरशिप लेंगे फिर ही वो जो आपकी वीडियोज है उन्हें देख सकते हैं, ये कुछ आ जाता है। बाकी शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं आप वहाँ पे, कोई भी चीज़, जैसे मैं मेडिकल से हूँ तो मेडिकल से रिलेटेड कोई स्टेथोस्कोप हो गया, कोई बीपी ऑपरेटर्स हो गए, ये चीज़ें। बाकी मेडिकल से ना भी हों तो आप कोई एक क्लोथिंग ब्रांड की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ये शॉपिंग का नीचे आ रहा है, ये भी हो सकता है। बट ये अभी मेरे तो अन्य जो है वो नहीं है स्टार्ट, लेकिन ये है कि आप लोग एनेबल कर सकते हैं। बाकी ये है कि जी आगे नीचे आते हैं, ये तो उनकी स्पोर्ट आ गई है, बाकी ये आ गया है हाउ डू आई ज्वाइन, बाकी रिक्वायरमेंट होती हैं जी इनकी आपकी। ये जो है 3 अक्टूबर 2024 का जो डाटा है, आपके पास मिनिमम जो है 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए ना, तो सब्सक्राइबर्स 2277 हो गए। बाकी उसके बाद जो पब्लिक वॉचर्स है ना, ये भी आपके पास पूरे होने चाहिए, पब्लिक वॉचर्स आपके पास 4000 होने चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं 4000 होने चाहिए, तो ये अभी हमारे हो गए 3969, तो अप्रोक्सीमेटली 31 और जो है ना अभी वॉच टाइम रहता है। तो बाकी शॉर्ट्स के लिए भी होता है, शॉर्ट्स मैं बनाता नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है,
तो जब ये आपके ये वाउचर्स पूरे होंगे उसके बाद ये वाला जो अर्निंग वाला काम है ना फिर शुरू होता है। तो इतनी आसानी से ये यूट्यूब है आपको पैसे नहीं दे रहा होता। जैसे आप लोगों ने अभी डैशबोर्ड देख लिया है, इतनी आसानी से ये यूट्यूब है वो पैसे नहीं दे रहा होता। इसकी रिक्वायरमेंट हैं पूरी करनी पड़ती हैं आपको, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे का वाचर होना चाहिए, फिर उसके बाद वो व्यूज के हिसाब से पे आप उनको करते हैं। तो हाँ, एक और चीज जो मैंने लर्न की है, जो मैंने देखी है कि प्रोफेशनल कंटेंट जो होता है ना उन्हें लोग थोड़ा कम देखते हैं, बाकी जो डेली व्लॉगिंग है हमारे लोग उसे ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी और जो मर्ली चवले मार ले बंदा वो लोग देख लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई चीज ऐड कर रहे हैं ना, देखते हैं लोग लेकिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ उसके अंदर इतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। वो वही लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो आपके कैलिबर के होंगे या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे या उन्हें उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट होगा, वही लोग मोस्टली उस कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन टाइम लगता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स गो वेल, तो आहिस्ता आहिस्ता लगे रहना चाहिए। तो मुझे भी काफी टाइम हो गया, अब ये नहीं आज तक नहीं है, इस लॉन्ग जर्नी तो आगे भी काफी लंबा सफर है तय करने को, तो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोग अगर चाह रहे हैं शुरू करें, आप लोग भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं अभी देखें कोई अर्निंग कर रहा है, लेकिन फिर भी आई एम मेकिंग वीडियोस, तो वो ये है कि कभी कभी रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाता कि दिस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एडिट वीडियो, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझे टाइम मिले मैं बना पाऊँ। अभी ये वाली वीडियो मैंने 5-3 दिन के बाद बनाई है, पहले भी कुछ वीडियो मैंने रेगुलरली ऐड की हैं, फिर उसके बाद गैप आ गया था, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप डाउन होता रहता है, तो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, कंटिन्यू करें। अगर आप लोग भी चाहते हैं शुरू करना तो वो आप लोग भी शुरू करें, वाई नॉट टू स्टार्ट। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कल करूंगा आज नहीं, वो कल फिर कभी नहीं आने वाली, तो करना है तो अभी स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं, जिस तरह का भी है आप उसे स्टार्ट करें। तो ये जो डैशबोर्ड था वो भी आपको दिखा दिया है, बाकी चीजें भी आपको दिखा दी हैं, तो पता भी चल गया आपको कितनी अर्निंग हो रही है। कुछ नहीं हो रही, वैसे ही वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। ये वैसे कभी कभी कोई पॉलिटिक्स की बात होगी या ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात होगी, तो इस चीजों से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, टेक केयर, अल्लाह निगबान की मान।